राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो घर से बुलाकर युवक की हत्या कर दी जाती है, हत्या करने के बाद जमकर बवाल होता है। दिग्गा मुख्य सड़क को जाम किया गया, अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने जमकर बवाल काटा, टायर तक जलाया गया। उनकी मांगे थी कि जिस तरीके से घर से बुलाकर युवक की हत्या हुई है उस पुलिस जांच करे, जांच में जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तमाम बातों को लेकर दिग्घा में यातायात को बाधित किया गया, मुख्य सड़क को जाम किया गया, मांगों को लेकर टायर जलाया गया। हाई वोल्टेज बवाल होने के बाद पुलिस मामले को किसी तरह शांत कराई है। देखिए तस्वीर। कल दिनांक 7/12/23 को सूचना प्राप्त हुआ कि नासिकगंज स्थित एक बंद पड़े मिल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना के आलोक में शव को अपने कब्जे में लेकर शव का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शव पर कुल 2 जख्म निशान पाए गए थे जो फायर आर्म इंजुरी थे। उक्त शव को अगल बगल के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उस शव की पहचान नहीं कर पाए। तब सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को पहचान करने हेतु फोटो अगल बगल के थाना एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया जिसमें शव की पहचान अमित कुमार पिता विनय राय साकिन दिघा के रहने वाले हैं उनकी पहचान के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अज्ञात के रूप कारण दर्ज की गई है एवं संदेह के आधार पर एक व्यक्ति डब्लू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। गाड़ी ना चले तो जाम लगा।